डैडी डिनर बना रहे हैं इसीलिए मेरा लव डे है, क्योंकि मम्मी जब रही मम्मी जो खाना बनाती है तो बहुत अच्छा ही होता है, तो जो भी घर में पका हुआ होता है वही खाना बनता है राइट। लेकिन आज डैडी खाना बना रहे तो अंत पचने के उनसे वो सारा का सारा खाना खराब हो जाता है, तो खराब हो खाना तो कोई खाएगा नहीं, तो इसीलिए जो भी खाना है और पसंदीदा खाना जो है वो बाहर से आएगा। तो इसीलिए स्पीकर का लकी डे है कि भैया चलो आज हमारी मौज है डिनर्स इन द ड्रेस गया है, और जो भी गंदा खाना था जो चला भुना और जो भी नीचे गिरा वो सारा का सारा जाता है डस्टबिन में, एंड पिज्जा ऑन द वे एवरीबॉडी लव्स पिज्जा राइट, लेट्स ईट पिज्जा। सो पिज्जा का ऑर्डर फादर दे देते हैं और वो ऑन द वे होता है, पहुँचने वाला होता है भैया पिज्जा को। तो ये बात को यहाँ कभी कभार आपको भी ऐसा चांस मिलता हो कि फॉर मुझे चल रही हूँ आज को मेरे बनाने का डिनर और अनफॉर्चुनेटली खराब हो जाता होगा डिनर राइट, तो फिर बाहर जाके खाने का मौका मिलेगा या तो फिर बाहर से कुछ अच्छा सा जो कि आपकी पसंद का हो वो आपको खाने का चांस मिल जाएगा, तो आपके लिए तो लकी डे होगा। और आप भी मना करेंगे नहीं फादर को बनाना खाना बनाने को मना करने के लिए, तो यहाँ पर भी होता है डिनर बनाने की सोचते हैं यूजुअली लोगों को बना के लिए, लेकिन एक दिन मतलब कि वो क्या सोची कि भैया जब आज मैं डिनर बनाऊंगा फ्रेंच फ्राई को इतनी पूरी तरह से चला देते हैं कि पूरे की पूरी ब्लैक बन जाती है और मीट लोफ जो होता है उसको भी खराब कर देते हैं, वो तो गिर जाता है उसमें बॉल गिर जाती है, और मीट लोफ यानी कि जो मीट की एक डिश होती है वो भी हाउस जो है वो स्मोक से भर जाता है, वो जो बच्चा है वो कंप्लेन नहीं करता फादर जो खाना बनाते हैं उसके लिए, क्योंकि उसके लिए तो वो बात एकदम एंजॉयबल थी, वो कंप्लेन नहीं करता कि फादर आज जो खाना बना रहे, उसको पता था उस बच्चे को कि फादर जल्दी ही गिव अप करने वाले हैं कि और फोन उठाएंगे टीचर लोग बाहर से ये सारी चीज़ें मंगवा लेते हैं राइट, और जो खराब हुआ डिनर था वो सारा का सारा जाता है डस्टबिन में, ऑफकोर्स जो भी खराब खाना हो गंदा खाना हो तो उसको तो हम लोग फेंक देते हैं राइट। सो ये थी हमारी पोएम स्वीट लिटिल पोएम राइट, कैसे फनी पोएम बनता है, अगर आप लोगों को कभी ऐसा हुआ तो फिर से एक बार शेयर करो अपने पेरेंट्स के साथ, उस दिन को याद करो कि भैया हमारे दिन ऐसा बना था उसे किसे इंजॉय किया था राइट, कुछ सोचा नहीं हो ऐसा सरप्राइज मिलेगा। अगर इस यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो फिनिश होती है, और वी आर गोइंग टू डिस्कस वन एक्सरसाइज एक्सरसाइज एट ट्रू फॉल्स विच इज आई हैव रिटन हियर, द फर्स्ट वन इज द स्पीकर्स फादर यूजुअली मेक्स डिनर, स्पीकर स्पीकर यानी कि वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो तो उसके फादर यूजुअली यानी कि हमेशा कभी कभार खाना बना लेते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो अगर उसके फादर जो है वो कभी कभी कभार खाना बनाते तो शायद वो खाना टेस्टी ना बनता लेकिन खाने लायक तो डेफिनेटली बनता राइट, लेकिन फादर ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं है इसीलिए तो खाना इतना खराब हो गया है ना, दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग फॉल्स हो गई सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट द फ्रेंच फ्राइज आर ऑल बर्न, जो फ्रेंच फ्राइज है वो सारी की सारी जल जाती है बर्न हो जाती है, यस जल के इतनी जल जाती है कि ब्लैक हो जाती है पूरी की पूरी, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज द मीट लोफ इज इन द ओवन, जो मीट लोफ है वो ओवन में था, नो was not, so the statement is false. The house is filled with smoke. पूरा का पूरा जो house है उसमें smoke फैल जाता है. Of course क्योंकि इतनी बुरी तरह से खाना जल जाता है इसलिए पूरा का पूरा जो house है वो smoke से भर जाता है.
two more exercises.